आप सभी का प्रगत कंप्यूटर वर्ल्ड में स्वागत है। मैं शशिकांत उपाध्याय आज आप सभी के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी का शीर्षक है एक बुद्धिमान का न्याय। एक बार की बात है, तीन चोर शहर से एक सोने का बर्तन, भरा हुआ बर्तन चुरा कर ले आए और एक जगह उपस्थित हुए और उन्होंने फैसला किया कि वो इस सोने से भरे हुए बर्तन को लेकर अपने गांव चले जाएंगे। अब ऐसे में गांव चलने का उन्होंने फैसला किया और गांव चलने के लिए जैसे ही उन्होंने तैयारी की, चलते चलते धीरे धीरे अंधेरा हो गया और अंधेरा होने के बाद उनके मन में एक डर भी उत्पन्न हो रहा था कि कहीं ये सोने से भरा हुआ बर्तन हमारे साथ है और कहीं कोई घटना घटित ना हो जाए, कहीं हमसे कोई छीन न ले। इस डर से उन चोरों के सरदार ने एक फैसला लिया कि क्यों ना हम एक उचित स्थान देखकर वहां पर रात गुजार लेते हैं और फिर सुबह हम अपने गांव के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसे में चलते चलते उन्हें एक झोपड़ी नजर आई जिसमें एक वृद्ध महिला रहती थी। उस वृद्ध महिला के पास उन्होंने तय किया कि यह सोने से भरा बर्तन रखा जाएगा। ऐसे में चोरों के सरदार ने उस वृद्ध महिला से यह बात कही कि जब तक हम तीनों चोर एक साथ उपस्थित नहीं होते, तब तक इस सोने से भरे बर्तन को वह किसी को भी नहीं देगी और इसकी देखभाल करेगी। कल सुबह हम सभी एक साथ उपस्थित होंगे और इस बर्तन को ले जाएंगे। ऐसे में सरदार ने वह सोने से भरा हुआ बर्तन वृद्ध महिला को सौंप दिया और वह वृद्ध महिला उस बर्तन को उचित स्थान पर अपनी झोपड़ी में रख देती और तीनों चोर भूखे थे। ऐसे में वहां खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने सामने पड़े हुए पेड़ के नीचे भोजन पकाया और वहीं विश्राम करने के लिए सोने चले गए। ऐसे में उसमें से जो नवयुवक चोर था उसके मन में एक बात काफी परेशान कर रही थी, जो कि चूंकि जात तो चोर की ही थी इसलिए वो चोरी करके लाए हुए धन को, पूरे धन को समेट लेना चाहता था, लेकर अकेले ही चंपत हो जाना चाहता था। तो वो बहुत चिंतित था। दो चोर सो गए लेकिन एक चोर दिमाग में इस बात को लेकर इधर उधर टहल रहा था और पूरी रात गुजर जाने के बाद उन तीनों चोरों ने तय किया कि अब हम वो सोने का बर्तन, सोने से भरा हुआ बर्तन उस वृद्ध महिला से वापस लेकर अपने गांव के लिए प्रस्थान करेंगे। अचानक एक दही वाली दही बेचने के लिए रास्ते पे आती है। चोरों के सरदार ने दही की इच्छा जाहिर की और वह चोरों के सरदार की मनसा जानकर दही देने के लिए उनके पास आए। ऐसे में सरदार के पास कोई बर्तन नहीं था तो उन्होंने उस नवयुवक चोर को उस वृद्ध महिला के पास भेजा, जाओ और उस वृद्ध महिला से बर्तन दही लेने के लिए मांगा। चोर वृद्ध महिला के पास जाता है और उससे बर्तन की मांग करता है। वह वृद्ध महिला नकार देती है, इनकार कर देती है, क्योंकि शर्त के मुताबिक जब तक तीनों व्यक्ति इकट्ठा नहीं उपस्थित होते तब तक वह बर्तन किसी को भी नहीं दिया जाए, क्योंकि यहां पे नवयुवक किसी और बर्तन की बात कर रहा था और वृद्ध महिला भी किसी और बर्तन को समझ रही थी, जबकि यहां दही लेने के लिए बर्तन को लेना था। लेकिन वह चोरों का सरदार वहां बर्तन का इंतजार कर रहा है और यहां यह नवयुवक चोर उससे सोने के बर्तन की मांग कर रहा है कि वो बर्तन जो तुम्हें कल दिया गया था वो बर्तन हमें दे। ऐसे में उस वृद्ध महिला ने जब उसे इनकार कर दिया कि मैं नहीं दूंगी,
तो उसने बताया कि मुझे सरदार ने ही भेजा है और सरदार ने कहा है कि वो बर्तन जाओ और वृद्ध महिला से मांग लाओ। यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप उन्हीं से खुद पूछ लीजिए। तो इस तरीके से वृद्ध महिला चूंकि व्यस्त थी वो बाहर नहीं जा सकी और उसने वहीं से आवाज लगाई कि क्या आपने इनको उस बर्तन को बर्तन लेने के लिए भेजा है। ऐसे में वो सरदार वहीं से हाँ जवाब देता है कि हाँ वो बर्तन उसे दे दो। महिला जाती है अंदर और वो बर्तन लेकर आती है और इस नवयुवक चोर को सौंप देती है। ऐसे में इस नवयुवक चोर की जो मनसा थी, जो इसकी चाहत थी, वो पूर्ण होती हुई दिखाई दी और ऐसे में वह इस बर्तन को लेकर चंपत हो जाता है, गायब हो जाता है, भाग जाता है। ऐसे में वृद्ध महिला अपने काम में फिर लग गई और कुछ देर बीतने के बाद समय बीत गया और सरदार को लगा कि अभी तक वो बर्तन लेके नहीं आया। तो सरदार स्वयं आता है उस वृद्ध महिला के पास और उसे बुलाता है कि वो बर्तन अभी तक नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो देखता है तो वहां सिर्फ और सिर्फ वृद्ध महिला नजर आती है। वह नवयुवक चोर कहीं भी नजर नहीं आता। सरदार को सारी बात समझ में आ जाती है और ऐसे में उसने उस वृद्ध महिला से पूरी बात जान भी ली और जानने के बाद वो वृद्ध महिला के ऊपर भड़का और काफी गुस्से में उसने वृद्ध महिला को यह डांटते हुए कहा कि यदि वह उसे सोने का बर्तन वापस नहीं देगी तो वह यहां से नहीं जाएगा और उसे बर्तन चाहिए। वह सोने से भरा हुआ बर्तन उसने उसे रखने के लिए दिया था और उसने कहा था कि एक साथ जब तक तीनों लोग उपस्थित नहीं होंगे तब तक वह इस बर्तन को किसी को भी नहीं देगी। यह मामला काफी जटिल हो गया और ऐसे में अब उस वृद्ध महिला ने और ऐसे में राजा के दरबार में दोनों चोर और वह वृद्ध महिला उपस्थित होते हैं। राजा के सामने सारी कहानी व्यक्त की जाती है, बताई जाती है। ऐसे में राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री को बुलवाया और उस मंत्री को यह सारी बात समझाई। ऐसे में मंत्री ने सारी बात सुनने के बाद फैसला लिया कि सरदार को उसके कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा। सच सच जवाब देगा तो उसे वृद्ध महिला सोने से भरा हुआ बर्तन लौटा देगी। इस तरीके से वह सरदार तैयार हुआ और वह मंत्री सवाल करता है पहला कि ये जो लोग आपके साथ थे वो कौन है। तो ऐसे में सरदार जवाब देता है कि ये मेरे दोस्त। दूसरा सवाल मंत्री ने फिर किया कि ये सोने से भरा हुआ बर्तन तुम कहां से लेके आए। अब सरदार के होश उड़ गए। सरदार बता नहीं सकता था कि उसने चोरी की है, इसलिए वो चुप रहा और आनाकानी करने लगा। सरदार अभी आनाकानी कर रहा था तब तक मंत्री ने तीसरा सवाल दिया कि यह सोने से भरा हुआ बर्तन लेकर कहां जा रहे थे। फिर भी सरदार का जवाब वही रहा, वो खामोश पड़ा रहा, उसने कुछ भी नहीं जवाब दिया। इस तरीके से चौथे सवाल का जवाब मंत्री ने कहा कि मेरे चौथे सवाल का जवाब हाँ में या ना में देना, मैं एक सवाल करता हूं। क्या यह सच है कि तुमने वृद्ध महिला को जब सोने का बर्तन दिया था तो यह शर्त रखी थी कि जब तक हम तीनों एकत्रित नहीं होंगे, एक साथ नहीं उपस्थित होंगे, तब तक यह सोने से भरा हुआ बर्तन किसी को मत देना। सरदार ने कहा हाँ यह सच है। और इस तरीके से यह बात सुनते ही मंत्री ने तुरंत फैसला सुनाया कि आपका फैसला यह है कि आप सोने के बर्तन भरे हुए बर्तन को तभी पा सकते हैं जब आप तीनों इकट्ठा होंगे। यहाँ पे आप सिर्फ दो लोग हैं इसलिए यह सोने का भरा हुआ बर्तन वृद्ध महिला आपको वापस नहीं देगी। जब आप तीनों उपस्थित होंगे तो वो सोने से भरा हुआ बर्तन आपको मिल जाएगा। ऐसे में इस न्याय के बाद वृद्ध महिला भी बहुत प्रसन्नचित हुई और राजा भी बहुत खुश
खुश हुए और इस तरीके से दरबार जय जयकार करने लगा और वह दोनों चोर वापस चले गए। इस तरीके से यह कहानी समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपने यहाँ पे सीखा होगा, कुछ ज्ञानप्रद चीजें आपको मिली होंगी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे न्याय करता है। धन्यवाद। इसी तरीके से और भी कहानियां आपको मिलती रहेंगी। मैं सचकंद उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूँ।